हेलो फ्रेंड्स फिर से एक बार की एक साइड में आपका स्वागत है आज 20 जून है तो आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए तो आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं एक पोर्टल जिसका नाम रखा गया सत्या बामा शॉर्टकट उसका फुल फॉर्म क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट तो ये किसने लॉन्च किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड कोल जिसका मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी सत्यभामा इज आल्सो बीइंग इंटेग्रेटिव नीति आयोग पोर्टल एन दर्पण नीति आयोग का पोर्टल कौन सा है एन दर्पण ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ये पोर्टल किसने लॉन्च किया वो पोर्टल किसने लॉन्च किया तो ये जो सत्य पोर्टल इसको एस कहाँ से करेंगे है? हम रिसर्च डॉट 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 गो डॉट इन इसका मकसद क्या है To encourage researchers and scientists to undertake qualitative and innovative research and development work in mining and mineral sector, innovative, qualitative research and development करना है मिनरल सेक्टर में। ये था मकसद इस पोर्टल का। To honour refugees, World Refugee Day is celebrated on 20th June। ये पहली बार कब मनाया गया था? फर्स्ट वर्ल्ड रेफ्यूजी डे वाज ऑब्जर्वड ऑन ट्वेंटी जून टू ये रेजोल्यूशन 55 फाइव ओब्लिक सेवनटी सिक्स ऑन दिसंबर फोर्थ टू थाउजेंड को अडॉप्ट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली तो तब से 2001 से मनाया जा रहा है इस साल का थीम क्या रहेगा एवरी एक्शन काउंट्स एवरी एक्शन काउंट्स क्योंकि कोविड 19 भी हुआ था इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा रिफ्यूज में इंक्रीज हो सकता है एज़ पर ट्वेंटी 2019 यूनाइटेड नाइनटीन ह्यूमन राइट्स काउंसिल 68% ऑफ द रेफ्यूजीज इन वर्ल्ड आर फ्रॉम सीरिया वेनेजुएला, अफगानिस्तान साउथ सूडान एंड म्यानमार मानमार सबसे ज्यादा कहाँ पे? सीरिया में 6.6 मिलियन सीरिया की कैपिटल है दमास्कस। वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस अफगानिस्तान की पता है काबुल साउथ सूडान की कैपिटल है Juba, और म्यांमार की कैपिटल आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए इससे हमें यह भी कैपिटल्स भी साथ साथ करेंगे जो भी कंट्री न्यूज़ में आएगी उसको हम उसके साथ साथ हम उसकी कैपिटल भी देखेंगे इन अकॉर्डेंस विद द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक उन्होंने बोला है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ प्रोजेक्टेड टू कंट्रैक्ट बाय फोर परसेंट इन फिस्कल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी इस साल हमारी इकॉनमी क्या हो जाएगी कंट्रैक्ट बाय फोर परसेंट एंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू वन बिफोर ग्रोविंग फाइव परसेंट इन टू जीरो टू वन यानी कि टू जीरो टू वन में ग्रो हो जाएगी बाई फोर परसेंट लेकिन पहले कंट्रैक्ट हो जाएगी तो बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज़ है आई एम एफ है वर्ल्ड बैंक है हर कोई अपनी प्रोजेक्शन देता है कि इकोनॉमी कितनी ग्रो होगी और कितनी कंट्रैक्ट होगी उन सब का लिस्ट बना के किसी न किसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर कंट्रीज़ इन डेवलपिंग एशिया डेवलपिंग एशिया में कितनी कंट्रीज आती है फोर्टी कंट्रीज़ ए डी बी फोरकास्ट ग्रोथ ऑफ़ जीरो पॉइंट वन परसेंट इन टू जीरो टू जीरो यानी कि डेवलपिंग एशिया जो कंट्रीज है उनमें से ग्रोथ रेट क्या रखा गया जीरो पॉइंट वन परसेंट इन टू जीरो टू जीरो द ग्रोथ ऑफ साउथ एशिया इज प्रडिक्ट टू कंट्रैक्ट बाई थ्री परसेंट इन टू जीरो टू जीरो साउथ एशिया की कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी थ्री टू जीरो इन टू जीरो टू जीरो फॉर फिनानशियल ईयर टू वन टी टू ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट रिवाइज डाउन टू फोर पॉइंट नाइन परसेंट फ्राम सिक्स परसेंट पहले प्रोडक्ट प्रोजेक्ट uh, किया था सिक्स परसेंट अब उसको रिवाइज करके फोर पॉइंट नाइन परसेंट पे लाए एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडकोार्टर है फिलिपाइनज़ में और इसका प्रेजिडेंट है असाकावा इसके मेम्बर कितने हैं सिक्सटी एट ये हमने इससे पहले भी किया था रिवाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे स्टेटिकल रिव्यू वर्ल्ड एनर्जी 2020 जीरो कि इसका नाइन्थ एडिशन है यह कौन रिलीज करता है यूके बेस्ड एक कंपनी है ऑयल एंड गैस कंपनी बी तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया वॉज सेकेंड मेजर मार्केट आफ्टर चाइना टू इंक्रीज प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन इन द ईयर टू जीरो वन नाइन लेकिन इंडियाज एनर्जी कन्ज्पन टू जीरो थर्ड लार्जेस्ट मार्केट के लिहाज से ये सेकंड पे आ गया लेकिन एनर्जी कंजप्शन के लिहाज से थर्ड लार्जेस्ट पे आ गया चाइना पहले यूएसए फिर सॉरी पहले चाइना फिर यूएसए और फिर इंडिया ये जो ई जे है इसका मतलब है एग्जा जूल जैसे कि एनर्जी के यूनिट्स होते हैं जूल और इसी का हायर यूनिट है एग्जा इंडिया ने पहला नेशनल रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस रिलीज किया है यह किसने बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड एडिटेड बाय द साइंटिस्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ऐसा ऐसे पूछा जा सकता है कि जो पहला रिपोर्ट बनाया गया ऑन क्लाइमेट क्राइसिस वो किसने प्रिपेयर किया था ऐसे पूछा जा सकता है रिपोर्ट इज पब्लिश ऑन एन एज एन ओपन एक्सेस बुक बाई सुप्रिंग नेचर इस रिपोर्ट के लिहाज से क्या होगा टेम्परेचर ऑफ इंडिया हैज़ रेज बाई जीरो पॉइंट सेवन डिग्री सेल्शियस इन नाइनटीन जीरो वन टू टू थाउजेंड एटीन यानी कि इतने सालों में जीरो पॉइंट सेवन डिग्री सेल्शियस इंक्रीज हो गया ड्यू टू अमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड प्रोजेक्ट टू राइज बाई टू पॉइंट सेवन डिग्री सेल्शियस इन बाई टू जीरो नाइन नाइन इन बेस्ट के सीनारो अगर हम एहतियात से एहतियात करेंगे टू जीरो नाइन नाइन तक कितना इंक्रीज हो जाएगा टू पॉइंट सेवन डिग्री सेल्शियस वर्ष के सीनारो में क्या हो जाएगा फोर पॉइंट फोर डिग्री सेल्शियस यानी कि अगर हम कोई केयर वेयर नहीं रखेंगे ऐसे ही करेंगे तो 4.4 डिग्री सेल्सियस 2099 तक बढ़ सकता है वहाँ तक कौन बच सकता है हम में से तो वो अलग बात है लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए ख्याल रखना पड़ता है कुछ और ज़रूरी फैक्ट्स है रूरल लोकल बॉडीज़ को ग्रांट कर दिया गया पैसे दिए गए कितना सिक्स करोड़ आज तक का सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट जीरो टू जीरो मनाया गया जून नाइनटीन को हर साल जून नाइनटीन को मनाया जाता है इसी तरह वर्ल्ड स्किल्स डे कब मनाया जाता है जून नाइनटीन को जो स्टेट्स कोई दिन मनाया जाता है ये बहुत ही ज़रूरी बन जाते हैं जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि कर्नाटका ने कौन सा डे मनाया मास्क डे इसी तरह मणिपुर ऑब्जर्व नाइनटीन ग्रेट जून अपराइजिंग डे जून एटीन को जून एटीन टू वन को क्या हुआ था जून अपराइजिंग हुई थी यानी कि मणिपुर की टेरिटोरियल जूरीजक्शन बचाने के लिए प्रोटेस्ट हुए थे जिसमें बीस के अठारह लोगों की मौत हो गई थी यानी कि मणिपुर में ऐसे विदाउट परमिट नहीं जा सकते बिकॉज वो स्केड्यूल ट्राइब स्केडूल एरिया में आता है वहाँ पे बिना परमिशन के नहीं जा सकते वेटरन जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर दीनू रानाडवी अवे इसी तरह सिक्रिप्ट राइटर एंड फिल्म मेकर के आर सचिदानंदन पास अवे ये मलयालम फिल्म मेकर थे वेटरन इकोनॉमिस्ट एंड मेंबर ऑफ टेंथ फस कमीशन बीपीआर विथल बारू पास अवे एट नाइन्टी थ्री ऐसे पूछे जाते हैं क्योंकि न्यूज़ में कभी जब आते हैं तो इनके बारे में ये बोला जाता है विथल बारू कौन थे ये क्या थे इसी तरह के आर सचिदानंदन क्या थे इसलिए यहाँ पे लाना पड़ता है जिनकी मौत हो जाती है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज यही है होते हैं नासा ने रिसेंटली एक न्यूट्रॉन स्टार को डिस्कवर किया है जिसका नाम रखा गया स्विफ्ट जे वन एट वन एट पॉइंट जीरो वन सिक्स जीरो सेवन जो कि सिक्सटीन थाउजेंड लाइट ईयरस अर्थ से दूर है जे एस डब्ल्यू ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया सौरव गंगोली और सुनील छेत्री को इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए वन एट टू नाइन करोड़ जल जीवन मिशन के अंडर अप्रूव कर दिए कर्नाटक के लिए वन वन एट नाइन पॉइंट फोर जीरो त्रिपुरा के लिए वन फाइव सिक्स पॉइंट सिक्स वन इससे पहले हमने जम्मू कश्मीर पढ़ा हरियाणा पढ़ा वेस्ट बंगाल पड़ा जिनके जल जीवन मिशन के लिए पैसे अप्रूव किए गए थे यूपी ने अंडर एम कितने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट दिया फिफ्टी सेवन लाख वन टू नाइन सेवन माइग्रेंट्स माइग्रेंट वर्कर्स जो कि हाईएस्ट है इंडिया में उससे उसके बाद कौन आती है राजस्थान फिफ्टी थ्री पॉइंट फोर फाइव लैख आंध्रा प्रदेश थर्टी सिक्स लाख उसके बाद वेस्ट बंगाल उसके बाद मध्य प्रदेश मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है सेटअप ए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल अंडर एट इट ज्वाइंट सेक्रेटरी अमितेश कुमार सिन्हा ये याद रखना है किसके अंडर बनाएगा अमितेश कुमार सिन्हा के अंडर किस लिए ताकि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो जाए इन क्लीन एनर्जी एस्पेश इन सोलर सेक्टर कोल मिनिस्ट्री एंड एफ सी एफ आई सी सी आई इनिशिएटेड ई ऑक्शन प्रोसेस ऑफ फोर्टी वन कोल ब्लॉक्स फॉर कमर्शियल माइनिंग लॉन्च बाय पी एम मोदी यानी कि ई ऑप्शन हो जाएगी डिजिटली डॉक्टर हर्षवर्धन इनोग्रेटेड एंड ऑफ इंडिया फर्स्ट आई लैब इन्फेक्शस डिजीज डायग्नास्टिक लैब इन न्यू डेली एज ए पार्ट ऑफ डी बी टी एम टी जड कमांड कोविड मेड टेक मैनुफैक्चरिंग डेवलपमेंट कंसोटिया यानी कि ये मोबाइल लैब है गाड़ी जैसी है उसी में टेस्ट वेस्ट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है ये आंध्रा प्रदेश मेड टेक ने बनाया है रिसर्चर्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मांडी हैव डेवलपड ए हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी एज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर लोकल मार्जिनल फार्मर्स इन मिड हिमालयाज आई आई टी मांडी कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में आई ने इसी तरह अप्रूव किया है यूज़र फ्रेंडली पी पी इज़ नवरक्षक ये क्या है नवरक्षक क्या बोला जाएगा ये पी पी है ये यूज़र फ्रेंडली है यूज़र फ्रेंडली मतलब ये जल्दी मार्केट में आएगा और आम इंसान भी इसको यूज़ कर सकता है इसके लिए अब मास प्रोडक्शन बनाई जाएगी बहुत ज़्यादा बनाया जाएगा और मार्केट में अवेलेबल रखा जाएगा ताकि आम इंसान भी इसको यूज़ कर सके तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए मिलती है अगले वीडियो में थैंक यू वेरी मच